नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टार्टअप अथॉरिटी के एक और फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो पब्लिश करी थी जिसमें मैंने बताया था कि 90,000 रुपए की सैलरी को छोड़ करके एक ऐसे आइडिया को एक बंदे ने चुनाव किया जिस आइडिया से वो लाखों का प्रॉफिट कमा रहा है। कैसे कमा रहा है, क्या क्या चीजें थी, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी मैंने दी थी। और दोस्तों आज का ये एपिसोड उससे भी ज्यादा स्पेशल है, उससे भी ज्यादा बेहतर है अगर आप सचमुच एक स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहते हैं। दोस्तों यहां पे बहुत सारी आइडियाज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं कहते हैं कि यार मुझे एक ऐसी आइडिया दो जिससे कि बेहतर इनकम ही नहीं एक बिजनेस का एम्पायर खड़ा किया जा सकता। लेकिन हम में से तमाम लोग ऐसे हैं जो बेसिक और बुनियादी चीजों को भूल जाते हैं जिससे एक्चुअल में इनकम जनरेट किया जा सकता है। तो दोस्तों बात करूंगा उसी आइडिया के, लेकिन उसके पहले आगे बढ़ने से पहले करूंगा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे यहां पर रेड आइकन बटन दिया गया है, इस पर क्लिक जरूर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना ताकि आज के बाद से जितना भी वीडियोस आता है सबसे पहले आपके इनबॉक्स में भेजा जा सके। तो दोस्तों टाइम नहीं खराब करूंगा, शुरू करता हूं जल्दी से और जानने की कोशिश करते हैं इस आइडिया के बारे में। लेकिन इसको मैं समराइज करने के लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। आज का समय, ये जो समय है, आज अप्रैल का एंड हो रहा है, मई जून जुलाई अगस्त हॉट सेशन आ रहा है, गर्मी का दिन आ रहा है। और गर्मी का दिन आ रहा है और अगर आपके घर में कूलर ना हो, अगर आपके घर में एसी ना हो तो आपका जीवन कैसे कटेगा, आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ एसी खरीद देने मात्र से आपकी सर्विस का काम हो जाता है? क्या उसको हमें रिपेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती? अगर बंद हो जाता है तो हम किसे कॉल करते हैं, और अगर कॉल करते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फोन का, गूगल का, इंटरनेट का, किसका इस्तेमाल करते हैं? अगर इन सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ कोलैबोरेट करा जाए तो यहां पर एक ऐसी आइडिया निकल के आती है कि अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस के लिए, अगर आप रिपेयरिंग सर्विस का बिजनेस करते हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ आप क्लाइंट को लेकर आ सकते हैं, कस्टमर को लेकर के आ सकते हैं, बल्कि भारी भरकम मुनाफा भी जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप रिपेयरिंग सर्विस करके गूगल पे सर्च कीजिएगा तो मैं दोस्तों मैं बता दूं कि ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने दो दो पेज की साइट बना करके, दो दो पेज की वेबसाइट बना करके और आज के समय में डेली के 500 से 600 रिपेयरिंग की सर्विस जो है वो ले रही है। और इससे इनकम कितना होता है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ चीजों के बारे में जानकारी दे दूं कि रिपेयरिंग सर्विस, अगर एसी रिपेयरिंग की मैं बात करता हूं तो यहां पर कुछ चीजों की जरूरत है। कुछ चीजों की जरूरत क्या है कि सबसे पहले आपको जो है एक्सपर्ट होना पड़ेगा, जो सेगमेंट में आप काम कर रहे हैं एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो आप जो है किसी एक्सपर्ट बंदे को हायर कर सकते हैं और हायरिंग करिए मात्र 2 महीने के लिए। कैसे? 2 महीने तक आप इस बिजनेस को देखिए, अगर बिजनेस सस्टेन नहीं होता है, चलता नहीं है तो आप इसमें और जुगाड़ लगाने की जरूरत पड़ेगी और हमारी टीम आपको इसमें हेल्प करेगी। इसके बाद से जो सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि आपने अपने पास एक एक्सपर्ट को रख लिया जो रिपेयरिंग सर्विस का माहिर है, आपने उसके टूल्स को परचेज कर लिया जो एक्चुअल में रिक्वायर्ड है। जैसे कि मैं बता दूं कि लगभग 2 सेट गैस वेल्डिंग मशीन होनी चाहिए, वेल्डिंग के होने चाहिए, 2 नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर जो है आपको जरूरी पड़ता है, इसके बाद वैक्यूम मशीन की जरूरत पड़ती है, इसके बाद गैस चार्जिंग मशीन की जरूरत पड़ती है, प्रेशर टेस्टिंग मशीन की जरूरत पड़ती है, ह्यूमिडिटी कंट्रोलर मशीन की जरूरत पड़ती है, वोल्टमीटर की जरूरत पड़ती है, आपके पास वैक्यूम चार्ज प्रेशर गैग पाइप की जरूरत पड़ती है, रेफ्रिजरेटर सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, टेम्परेचर मीटर की जरूरत पड़ती है और साथ ही साथ 2 सेट की किट जो है उसकी जरूरत पड़ती है। अगर आप इस बिजनेस में ऑलरेडी हैं तो आपको पता होगा कि इसके अलावा और क्या क्या चीजों की जरूरत है, लेकिन मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके पास इस तरह की एक्सपर्टीज है। और अगर आपके पास एक्सपर्टीज है तो दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूं आपसे कि आपके पास रॉ मटेरियल और ये टूल अवेलेबल है। अब आपको चाहिए कस्टमर, लेकिन कस्टमर आएगा कहां से? तो दोस्तों आज का सबसे बड़ा ट्रेंड क्या है? सबसे बड़ा ट्रेंड ये है कि लोग कोई भी कुछ काम करते हैं तो सीधे गूगल उठाते हैं और सर्च करते हैं कि रिपेयरिंग सर्विस नियर मी, रिपेयरिंग सर्विस के लिए सर्च करते हैं और फट से जो नंबर मिलता है उस पर कॉल करते हैं और आपके पास एक कॉल आती है, लीड आती है और आपको सर्विस जाकर के देनी होती है।
अब आप बोलोगे यार जाकर के देंगे तो क्या फायदा होगा, तो दोस्तों मैं बता दूं कि जाकर के देने का मतलब यह हुआ कि आपको विजिटिंग चार्ज के तौर पर 250 रुपया मिलने वाला है। विजिटिंग चार्ज के तौर पर 250 रुपया या कभी कभी 500-500 रुपए भी मिल जाते हैं। तो अगर आप इंटरनेट माध्यम से एडवर्टाइजिंग करने की कोशिश करेंगे, लोगों तक रीच बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहां पे 40-45 रुपए के अंदर लीड मिलने वाला है, एक सेल का लीड मिलने वाला है। और अगर आप विजिट करते हैं दोस्तों तो यहां पर आपको एक लीड पर, बहुत कम भी होगा तो यहां पर अप्रॉक्स 200 रुपया जो है आपको बच रहा है, जिसमें आप 50-60 रुपया आप जाने आने का खर्च निकालेंगे तो आपको जो है कम से कम 100 रुपये की प्रॉफिट जो है वो एक लीड पर होगी। अगर केवल विजिट कर रहा है, ध्यान रखिएगा कि केवल विजिट कर रहा है, इस पर जो है आपको 100 रुपये का मुनाफा हो रहा है। इसके बाद अगर वहां पे जाकर के वो बंदा सर्विस देता है तो सर्विस देते समय दो चीज की जरूरत पड़ेगी। पहली जरूरत पड़ेगी कि आप इंस्टॉलेशन चार्ज लेंगे, जो इंस्टॉल करने जा रहे हैं या फिर जो लगाने जा रहे हैं या कुछ भी करने जा रहे हैं तो उसका चार्ज अलग से। इसके अलावा एसी खरीदते वक्त आपको एसी के प्राइस का जानकारी होता है लेकिन उसके पार्ट्स की जानकारी नहीं होती। सो जब आप पार्ट्स को भी सेल करेंगे तो पार्ट्स में भी प्रॉफिट हो रहा है, आप इंस्टॉलेशन के भी पैसे ले रहे हैं, आप विजिटिंग के भी पैसे ले रहे हैं। तो यहां पर मल्टीपल डायमेंशन जो है आपको मिल रहा है जहां से आप पैसे को जनरेट करते हैं। अब आपसे मैं बता दूं कि अगर 100 रुपए के हिसाब से मिलता है और आपके पास डेली के डेली बहुत ज्यादा नहीं 20 कस्टमर भी मिल जाते हैं, 10 कस्टमर भी मिल जाते हैं, तो केवल विजिटिंग चार्ज जो है आपका कितना हो गया आप एज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी कड़ी में आते हैं कि अगर आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो इंस्टॉलेशन के लिए भी आप 100-200 तो चार्ज करोगे ही करोगे। तो जहां जहां जा रहे हो वहां जरूरत पड़ी तो इंस्टॉलेशन भी कर दोगे। तो मैं कह रहा हूं कि 10 के जगह पे 5 जगह पे इंस्टॉलेशन हो गया तो अगर 5 जगह पे 200-200 रुपए भी चार्ज कर लिया इंस्टॉलेशन के लिए तो आप सोच लो कि कितना इनकम बन गया पर डे का। इसके अलावा आपके प्रोडक्ट्स जो है आप मैन्युफैक्चरर से या किसी ऐसे जगह से परचेज करते हैं जहां होलसेल से आता है और उसी सामान को ला करके आप यहां पर इंस्टॉल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट के भी पैसे मिले आपको। तो यहां पर 3-3 ऐसे मीडियम हो जाते हैं दोस्तों जहां पे आपको इनकम का साधन जो है वो जनरेट हो जाता है, आपके लिए इनकम का साधन बन जाता है। इसी तरीके से अगर आप ऐसे चीज को वर्क करने के लिए, रन करने के लिए आईटी पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर दें, आईटी पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दें, एडवर्टाइजिंग पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दें, तो जो आपको 10 लीड आ रहा है वो डेली का 50 लीड 100 लीड भी हो सकता है। और 100 लीड अगर हो जाता है दोस्तों तो आप अगर इंप्लाई रख के भी काम करवाते हैं तो कितना प्रॉफिट हो सकता है इसके बारे में आप सोच सकते हैं। जरा ध्यान से सोचिएगा क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आज जितना भी आप यूट्यूब पर, जितना भी आप फेसबुक पर, जितना भी आप जो है गूगल पे सर्च करके देखेंगे, हर जगह पे आपको इस तरह की सर्विसेज मिलेगी ही मिलेगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये ऐसा चीज है कि जो कभी भी खत्म नहीं होगा। पॉपुलेशन बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और जरूरत पड़ेगी तो सर्विस प्रोवाइडर की भी जरूरत पड़ेगी। और यहां पर ऐसा आइडिया है जिससे आपको कभी भी रिसेशन का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों मैं बता दूं कि गर्मी गर्मी के सेशन में आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इतना पैसे कमा सकते हैं कि ठंडी के सेशन में अपने घर में ठंडी का मजा ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह आइडिया पसंद आया, उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज पसंद आया। अगर आप लाइव वीडियोस देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना ताकि आने वाले समय में हम इसी तरह की आइडियाज को लेकर के आपको देते रहें ताकि आप जो है आगे बढ़ते रहें, अपने घर रह के अपने बिजनेस की शुरुआत करते रहें और बेरोजगारी से रोजगार की तरफ अग्रसर हो सके। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद है। अगर पहली बार आप हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि ऐसा करोगे तो इसी तरह की वीडियो जब भी मैं लेकर के आऊंगा सीधे आपके इनबॉक्स में सबसे पहले भेज दिया जाएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए। जय भारत।